कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस। केएनएस स्पेशल के हमारे आज के मेहमान हैं एसडीएम पटन मिस्टर सईद फहीम साहब। हेलो सर, वेलकम टू द केएनएस। थैंक यू मैम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसडीएम। विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ द एसडीएम, ये बेसिकली एक डिफाइंड ये नहीं होता। वी हैव बीन असाइंड मेनी जॉब्स लाइक यू नो ऑल दीज departments who are working here, they directly report to me with regard to all the developmental works. Mera parent department to SDM ka revenue hi hota hai. However, it's not only the revenue department which has to be looked after, it is the all the departments who have to be looked after. And any problem in the area that has to be vis-a-vis developmental activities, revenue activities or any other that of that sort, that has to be looked after by the SDM. So that's a brief role of the SDM. So sir, aap se janna chahenge, as a SDM, apne ohda kab se sambhala, kitna arsa ho gaya aapko? I have recently joined in, I guess around 10 days back I have taken up the charge of SDM Patan. Before this I was posted as SDM Pehelgam. I have served in Patan as well, I guess 3-4 years back I was Tahsildar here, and now I am lucky enough to have the chair of SDM here, and we'll see what problems have been there in the सब डिविजन जो भी है उन चीज़ों पे थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इट्स जस्ट 10 days back आई हैव बीन हियर, सो थिंग्स विल सेटल डाउन एंड वट एवर इज द डेवलपमेंटल इशू और एनी अदर इशू इन देयर दैट विल बी टेकन अप। 2018 की अगर बात करें, 2018 में आप यहाँ, आपकी खुशनसीबी थी, आप एज अ तहसीलदार थे यहाँ पे, दोबारा आप फिर से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लोगों के सामने आए, तो आप मुझे बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2018 के पैटर्न में और 2020 के पैटर्न में, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको अभी? देखिए, एज सच जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, दे हैव कम टू हॉल बिकॉज ऑफ यू नो कोविड है यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो काम है वो थोड़ा स्लो है, बट वी हैव टेकन अप द पेस एंड वर्क्स आर बीइंग डन। जो भी 2018 में आप बात कर रहे हैं, तब एक फेज था, अभी दूसरा फेज है, बट वी आर फोकसिंग ऑन ऑल द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, दे विल बी टेकन अप ऑन द प्रायोरिटीज। कुछ रह गई हैं या कुछ और भी उठाने हैं, दैट विल बी डन सब्सिक्वेंटली इन कमिंग टाइम। तो इस दौरान हमने देखा जो आपने ज्वाइन किया कि आपने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, स्पेशली जो कल का जो हुआ था यहाँ का, जो बड़ा हाईलाइट हुआ था, तो आपने और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए इन कुछ दिनों में यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? देखिए, कोविड के चलते हुए आर मेडिकल स्टाफ इज रियली बर्डन, दे हैव बीन डूइंग tremendously well, and they have done exceedingly nice job by containing the COVID pandemic here. You will see very less number of cases coming up. This is all because of their efforts, the administration who has been on toes here and have done wonderfully well. Apart from the medical field, I have the priority, like you know, we have the problem of drinking water facility here. This being at the tail end of all the water supply schemes, तो उसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत है। वी हैव लेस रेनफॉल दिस सीज़न, जिसके चलते जो है टर्मिनल पार्ट्स ऑफ दिस एरिया हैव बीन फेसिंग सम वाटर डेफिसिट। वी आर ऑन जॉब, जितनी भी खामियां थी वी आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई देम, एंड देर आर सर्टन स्कीम्स विच आर अंडर पाइपलाइन, वी विल बी स्टार्टिंग द वर्क ऑन दोज स्कीम्स विच विल डेफिनेटली हेल्प एंड ऑगमेंट द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ऑफ दिस टेल एंड एरिया ऑफ द पटन, एस्पेशली देर ऑफ द पलहालन, वुसन एंड अदर एरियाज ऑफ द मीरकुंड। दे आर ऑल यू नो वाटर डेफिसिट बिकॉज ऑफ बींग एट द टेल एंड ऑफ द स्कीम्स, बट न्यू स्कीम्स आर कमिंग अप, वी हैव ऑलरेडी टेकन अप। आई हैव ऑलरेडी टॉक टू डी सी सर, हु हैज़ बीन काइंड enough to you know give certain directions to other departments as well who can augment. And with regard to this water supply scheme, I would like to mention here that I would like to appeal through you to the people that kindly do not use the online boosters
टू द पाइपलाइंस, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. जो भी टेल एंड पे रहते हैं दे डू नॉट गेट द वाटर सप्लाई. आई हैव ऑलरेडी इशूड एन ऑर्डर अंडर 133 CRP एंड हैव डिक्लेयर दैट एज अ पब्लिक न्यूसेंस. सो PHE इज ऑन जॉब एंड दे आर फेसिंग स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल दैट यू नो व्हेन दे आर गोइंग फॉर कन्फिस्केशन ऑफ दिस ऑनलाइन बूस्टर्स. सो थ्रू योर मीडियम आई वुड लाइक टू अपील टू द पीपल, प्लीज डू नॉट यूज दीज ऑनलाइन बूस्टर्स. क्योंकि उनको तो पानी मिलता है लेकिन उसके बाद वाले घर जो हैं, जो टेल एंड पे, उनको बड़ा सफर करना पड़ता है. अगर थोड़ा थोड़ा पानी सभी लोग यूज करें सो इट विल बी ए बेनिफिशियल टू द सोसाइटी. स्पेशली जो यहाँ पे लोग हैं दे ट्राई टू यू नो जो लोग हैं वो कभी यूज़ करते हैं दिस ड्रिंकिंग वाटर. दिस इज एब्सोल्युटली मेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज. सो दे यूज़ इट फॉर द कार वॉशिंग एंड फॉर द किचन गार्डन पर्पजेज, फॉर विच वी हैव इनिशिएटेड द ड्राइव्स एंड वी हैव कन्फिस्केटेड सर्टन ऑनलाइन बूस्टर्स एंड द ड्राइव विल कंटिन्यू. प्लस दोज यू नो दीज वेल्व्स, चेक वेल्व्स, दे आर बींग फिडल्ड विद during the night hours. We are trying to have the night squad as well. I myself was yesterday during the night. I was patrolling the area. I was seeing wherein we can have these you know these guys who are actually trying to fiddle it. We are trying to formulate the squads. We have done it yesterday night also. I was busy with that, and we are seeing a palpable change today in the areas like Palhalan and all, and I hope that by virtue of this we will be able to improve upon the situation. So sir, if you talk about the people of Pupattan especially, to unka kehna hai, unki demand hai ki unka jo ye old hospital tha yahan pe fir se functional hona chahiye, kyunki jo SDH Pupattan hai yahan ka, unko badi dikkat hai samne aati hai. Adjacent areas ke bhi log hai, unko bhi badi प्रॉब्लम्स का सफ़र करना पड़ रहा है वहाँ जाने में. वहाँ तो क्या आपके ज़रिए कोई ऐसा हमें आगे स्टेप देखने को मिलेगा जिससे उनको इसमें दिक्कतों में जो आसानी हो, क्योंकि उनको आपसे बहुत आस है. जो जैसे आप काम कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से तो उनको बहुत आस है आपसे, तो आपके ज़रिए कोई ऐसा इनिशिएटिव देखने को हमें मिलेगा? देखिए जो दिस इज़ अ पॉलिसी डिसीजन कि जो भी जो ट्रॉमा हॉस्पिटल में यहाँ शिफ्ट हो गया था, बट वी हैव अ वेकेंट बिल्डिंग. जो वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, वी हैव अ वेकेंट बिल्डिंग. सिंस आई टोल्ड यू आई हैव जॉइन जस्ट 10 days बैक, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हैव सम इनिशिएटिव विद रिगार्ड टू दैट ओल्ड बिल्डिंग. बट एज आई सेड अर्लियर दैट इट हैज़ टू बी अ पॉलिसी डिसीजन एंड गवर्नमेंट विल टेक अ कॉल ऑन दिस. फ्रॉम माई साइड आई विल डेफिनेटली लुक इन टू सम ऑफ द ऑप्शंस विच विल डेफिनेटली ऑगमेंट एंड हेल्प द हेल्थ सेक्टर. एंड जो भी यहाँ पे लोकल्स की डिमांड है, आई विल डेफिनेटली टेक अप द मैटर विद माई सीनियर्स, विद माई डिप्टी कमिश्नर, एंड आई एम श्योर दैट ही विल डेफिनेटली हैव सम प्लान विच आई विल ऑब्वियसली डिस्कस विद हिम, एंड वी विल ट्राई टू ऑगमेंट एंड फैसिलिटेट द लोकल्स. Their demand will definitely be taken into consideration while doing so. So, sir, at the end, aapki koi message rahegi, especially for the people of Pattan? Through you, jo maine abhi kaha ke jo hamara pani ka masla hai, that is time pe sabse zyada wo masla hai. मैं आपकी वसादत से इनको रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि काइंडली एंड काइंडली जो हमारे ऑनलाइन बूस्टर्स हैं, प्लीज़ डू नॉट यूज़ देम. ये इस्तेमाल ना करें, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आपने इस्तेमाल किया. एक ये, और दूसरा जो भी हमें करेवा सॉइल है यहाँ पे, उनमें जो कभी कभार जो एक्सकेवेशन करते हैं इलीगली, उससे परहेज़ करें. इससे हमारी टोपोग्राफी जो है वो ख़राब होती है, एंड प्लस माहौल की आलूदगी भी बहुत ज़्यादा होती है. इसके ज़िम्मे भी मैंने एक ऑर्डर कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी इशूड दी ऑर्डर्स, एंड जो भी इसके खिलाफ ये जाएंगे वी विल डेफिनेटली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, इससे भी गुरेज करें. इन दो चीज़ों, ये आजकल ज़्यादा प्रायोरिटी है. यही मैसेज है आपके थ्रू से कि काइंडली एंड काइंडली इन दो चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट करें. सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें कुछ वक्त दिया. तो ये थे हमारे साथ SDM Pattan मिस्टर सईद फहीम. मिलते हैं ऐसी और एक शख्सियत के साथ. अभी के लिए दीजिए इजाजत. आप देखते रहिए KNS विद वीडियो जर्नलिस्ट सुहेल नायक. दिस इज राहनिदा, KNS Pattan. थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस.